व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रोल आउट किया है। ये आईफोन यूजर्स को अब वीडियो कॉल के दौरान अपने फोन पर मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करेगा। व्हाट्सएप iOS यूजर्स के वीडियो स्ट्रीम को तब रोक देगा जब ऐप को छोटा किया जाएगा या फिर किसी दूसरे ऐप पर स्विच किया गया हो। अब आईफोन यूजर्स एक फ्लोटिंग पिक्चर इन पिक्चर यानी कि PIP मोड या फिर विंडो को एक सबसे छोटे वर्जन के साथ देख पाएंगे, जिससे वो वीडियो कॉल पर अन्य ऐप्स पर एक्सेस कर सकेंगे जिस टाइम वो वीडियो कॉल पर होंगे। व्हाट्सएप iOS पर PIP फीचर, व्हाट्सएप ने घोषणा की थी कि वो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन के माध्यम से iOS पर PIP फीचर के लिए समर्थन जोड़ रही है। अब चेंज लॉग में लिखा है कि iOS पिक्चर इन पिक्चर यानी कि PIP के सपोर्ट के साथ अब व्हाट्सएप कॉल के दौरान अपने वीडियो को रोके बिना मल्टीटास्किंग आसानी से कर पाएंगे। पहली बार कब आया था ये फीचर, मैं बता दूं कि एप्पल ने iOS 14 की रिलीज के साथ यानी कि 2020 में PIP मोड के लिए समर्थन जोड़ा था, जबकि गूगल ने पहले ही 2017 में एंड्रॉइड 8 को रोल आउट के साथ इसे पेश किया था। बता दूं कि कंपनी ने iOS के लिए व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजते समय अपडेट कैप्शन का ऑप्शन भी जोड़ दिया है। फिलहाल ये फीचर कमाल का है। अब आप iOS यूजर है तो आप अपने वीडियो कॉल के दौरान आराम से मल्टीटास्किंग या दूसरे विंडोज पर स्विच आराम से कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी टेक व्हील्स। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।